क्या बताएं? उसमें इनकी एक टॉप क्लास एक्ट्रेस इन्वॉल्व थी जिसका नाम है मधुरी दीक्षित। एक्ट्रेस? जानती हैं आप मधुरी दीक्षित को? जी जी जानती, एक्ट्रेस को तो जानती हूँ। एक्ट्रेस जानती है ना? जी जी। ये सब एक्टर्स हैं, इनके पास भी एक एक्ट्रेस है मधुरी। अच्छा। जिसने वो क्राइम अरेंज किया, लोगों की किलिंग टीम को हेड वो कर रहा था। ही वॉज ऑल्सो शॉट एंड इंजर्ड ऑन द स्पॉट बाय पुलिस। ओके। उसका हाथ, उसकी मेन वेन या आर्टरी कोई ऐसी डैमेज हो गई कि उसका हाथ काटना पड़ा। उसका हाथ डॉक्टर्स ने एम्पिटेट कर दिया। अच्छा। पूरी कोशिश गवर्नर ने कर ली। इसमें भी मैं आप लोगों को साक्षियां दूंगा, लेकिन अगर मैं तो कोर्ट से मांगी। गवर्नर ने प्रेशर डाला रहमान मलिक पे कि ये दो लड़के जो पकड़े गए हैं ये किसी तरह भी इस केस में नहीं आने चाहिए, या ये हमारे हवाले करो। कौन कौन? एक तो माधुरी और दूसरा कौन? कमांडो। माधुरी और दूसरा पुत्र क्या? इमरान, कामरान क्या? आई डोंट नो क्या नाम। कुछ कमांडो नाम था उसका, कमांडो करके कुछ नाम है। रहमान मलिक ने पुलिस को ये कहा कि ये इस केस में इसको नहीं डालो, ये तो बहुत टॉप क्लास के टेररिस्ट है, ये तो मुझे वांटेड है एंटी स्टेट और पता नहीं तालिबान और उनमें। ये ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह, ये खुद मुझे रहमान मलिक ने कहा कि ये दो लड़के हमने पकड़े, पुलिस ने पकड़े हैं, ये मुझे वांटेड है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इनको मैं इस्लामाबाद ले जा रहा हूँ क्योंकि ये वापस आपको नहीं मिलेगा, ये वहां से गायब कर दिया जाएंगे। वो गैरतमंद पुलिस के ऑफिसर दे वेंट आउट ऑफ द वे, जहां हॉस्पिटल में एडमिटेड था उन डॉक्टर्स को बोला कि आप मेहरबानी करके ये सर्टिफिकेट दें कि ही इज मेडिकली नॉट फिट फॉर द ट्रांसफर। अंदर से नदीम खान हमारे नुमाइंदे कुरंगी नंबर 2 के अंदर मौजूद है, वहां पर उनसे ताजा तरीन सूरत हाल जानते हैं। नदीम खान, एक नई अपडेट सामने आई है, कहा जा रहा है कि दो जख्मियों को गिरफ्तार किया गया है पुलिस की जानिब से, जिनमें कामरान और सुहेल नामी दोनों हमलावर शामिल है। इस हवाले से क्या अपडेट है आपके पास? ये कामरान और सुहेल जख्मी हुए थे कोरंगी के इलाके में, ये इन जख्मियों को तिब्बी इमदाद के लिए सिविल अस्पताल मुंतकिल किया गया था। ये दोनों जख्मी सिविल अस्पताल में जेर इलाज थे, जहां से इन दोनों जख्मियों को पुलिस ने अभी हिरासत में ले लिया है। और पुलिस का ये दावा है कि ये दोनों अफराद पुलिस बस पर हमले के नतीजे में होने वाली जवाबी फायरिंग से जख्मी हुए हैं। लेकिन यहाँ ये तो जख्मी हुए इनको गिरफ्तार भी कर लिया गया है, जाए वकूआ पर इस वक्त क्या सूरत हाल है और वहां पर क्या तमाम शवाहद इकट्ठे कर लिए गए हैं? क्या कुरंगी के इलाके में अब भी का दुका फायरिंग की आवाजें सुनाई देती हैं? देखिए मुर्तजा, आपके सवाल का जवाब देने से पहले मैं एक चीज वाजे करना ये मुनासिब समझूंगा कि सुहेल और कामरान की गिरफ्तारी के हवाले से जो पुलिस हुक्काम दावा कर रहे हैं ये उनका दावा बिल्कुल झूठा है। ये दोनों अफराद कोरंगी एफ एरिया जो यहाँ से कई किलोमीटर के फासले पर वाके है वहां जख्मी हुए थे, इनके साथ दो अफराद जाबहक हुए थे। ये दो अफराद कामरान और सुहेल वहां कोरंगी एफ एरिया 5.5 नंबर का इलाका है जहां पर जख्मी हुए थे। इनके साथ दो अपराध जो और बैठे हुए थे थल्ले पर शातिहान के करीब कोरंगी आवामी कॉलोनी पुलिस जिस इलाके में ये हलाक और जख्मी हुए, और पुलिस ने इन जख्मियों को एक झूठे मुकदमे में मुलव्वज़ करने की कोशिश की है। इन इस वाके की फुटेजेस एक्सप्रेस न्यूज ने स्पॉट पर बनाई थी, इनके साथ जो एक शख्स जाबहक हुआ था उसकी स्पॉट पर फुटेजेस एक्सप्रेस न्यूज ने बनाई, उस शख्स की जो लाश वहां पड़ी हुई थी, और जख्मियों को जायबकुआ से अस्पताल में शिफ्ट कर दिया गया था। और इस वाके के तकरीबन 15 से 20 मिनट के बाद कोरंगी में पुलिस की वैन पर फायरिंग का वाकया पेश आया था, जिसके बाद ये बिल्कुल वाजे चीज है कि पुलिस इन दोनों अफराद को जख्मियों को इस वाकये में मुलव्वज़ कर रही है। जी ठीक। नदीम खान, आप हमारे साथ लाइन पर मौजूद रहे, अस्पताल आपके लिए करते हैं नाज़रीन लेकिन के पास इकतदार क्या इससे क्या इस अस्पताल के अंदर आप सूरत हाल देखते हैं? बताया जा रहा है जैसे कि आपने कहा कि कुछ आम शख्सियात भी अस्पताल का दौरा करने वाली है, इस हवाले से क्या?
को मारा गया। आपकी तसल्ली के लिए शाही सैयद साहब, वो कि ये जरूरी नहीं है, लेकिन आपके लिए और तमाम नाजरीन के लिए मैं एक आज बात कह देता हूँ कि जब ये चक्रा गोट का वाकया हुआ तो आपके दोस्त जिनको आप बड़ा पसंद करते हैं और उनको आप कोट करते हैं कि जी देखिए जुल्फिकार मिर्जा ने कुरान पाक पे हाथ रख के, कुरान पाक को सर पे रख के उन्होंने कस्में खाई और सारे इनके शफात किए, तो अल्ताफ हुसैन साहब ने इसके बरक्स किया। तो जब ये चक्रा गोट का वाकया हुआ, आपके जुल्फिकार मिर्जा साहब इस वाकये के अंदर एक शख्स को कोट करते हैं बार बार, जब ये चक्रा गोट का वाकया हुआ, जब पुलिस पर फायरिंग हुई तो उससे एक घंटा पहले कुरंगी नंबर 5 पर कामरान माधुरी, क्या उनका ताल्लुक मुतहदा कौमी मूवमेंट से है या नहीं, वो तो लातालफी का इजहार करते हैं, वो कहते हैं हमारा कोई ताल्लुक नहीं है, लेकिन कामरान माधुरी पर एक घंटा पहले ही फायरिंग हो चुकी थी और उसको अस्पताल जख्मी हालत में लेके जाया जा चुका था। तो किस तरह से आपके दोस्त जुल्फिकार मिर्जा साहब कामरान माधुरी का नाम लेते हैं कि कामरान माधुरी ने चक्रा गोट के बाकी की प्लानिंग की या एग्जीक्यूट किया, वो तो पहले ही जख्मी हो गया था और मैं वहां पर मौके पर खुद मौजूद था। ये तो मुझे पता है कि आप जो स्टोरी बताते हो, मैं इसलिए कराची की अच्छा कपड़ी का बात ये बता दूँ कि भाई सुधारा या फिर सियासी बुनियादों पर पुलिस ने बच्चिया भी काजी ले वो उनको इंटरवेंशन देता है और गवाहों को मारा जाता है, कोई सियासी पार्टी पकड़ के नहीं दे सकता। अगर कोई किलर है तो मैं ये अपील आपके तवज्जो से करता हूँ कि रेंजर्स या पुलिस या फोर्स आके ऑपरेशन अपराधी वो करे और मेरे पार्टी से मेरे घर से पहले शुरू करे, इसका तो मेरे पास कोई इलाज भी नहीं है। ठीक है शाही सैयद साहब, वैसे बड़े अफसोस की बात है, शाही साहब बड़े अफसोस की बात है कि मैंने भी आपके सामने एक ऐसा वाकया कोट किया जिसमें मैंने ये भी कहा कि कामरान माधुरी के बारे में मुतहदा कौमी मूवमेंट ये कहती है कि हमारा उनसे कोई ताल्लुक नहीं है, क्रिमिनल रिकॉर्ड है इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन जब मैं आपके सामने फैक्ट्स रख रहा हूँ कि मैं चक्रा गोट खुद मौजूद था, कि जब फायरिंग का वाकया हुआ कुरंगी नंबर 5 पर मैं उधर पहुंचा, उधर पहुंचकर कामरान माधुरी को अस्पताल लेके जाया जा चुका था, फिर मैं वापस आया चक्रा गोट तो तब पुलिस की गाड़ी पर फायरिंग हुई, तो इसको आप एडमिट ही नहीं कर रहे, क्या आप इतने भी सीधे नहीं है शाही सैयद साहब? कराची में सुबाई सदर है मामी नेशनल पार्टी के, आपने तहकीकत की गई हो कि इस वाकये की तफसील क्या है? अली मुर्ताज़,